जय श्री राम साथियों, रात के 2 बज रहे हैं और आज हमारे सफ़र का पहला दिन है। सफ़र के पहले दिन में हम गुड़गांव से कुल्लू मनाली के कच्चे रास्तों पर गाड़ी चलाएंगे जो अभी टूट गए थे, फिर अटल टनल से लाहौल पहुंचेंगे और लाहौल लेके जाएगा हमें हिमाचल के दिल तक, और हिमाचल का दिल है जांतकर। तो सफर पर निकलने से पहले हम अपनी इसुजु का फ्यूल टैंक रिफिल करवा लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें पता चला कि मनाली जाने वाला रास्ता पूरी तरह खराब है, हो सकता है कोई लैंडस्लाइड हुई हो। हेलो जी, तो कंडीगटर वाला खुल सकता है, मेन हाईवे बंद है, पंडो वाला भी बंद है, तो और कोई चौथा रास्ता? चौथा तो है नहीं अभी। हमने अभी अपने एक फ्रेंड से बात करी तो पता चला कि मनाली जाने वाला हर रास्ता बंद है, तो मतलब हमें रास्ता खुलने का इंतजार करना होगा। रास्ता खुल गया है, खुशखबरी। जय श्री राम साथियों, जैसा कि लास्ट नाइट हमने आपको बताया था कि रास्ते की क्या हालत है, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी और हम कुछ ही देर में अटल टनल पहुंचने वाले हैं। तो ये है अटल टनल का एंट्रेंस, लेकिन इसमें एंट्री से पहले हमारी गाड़ी की चेकिंग होगी। चलिए, चेकिंग भी हो गई, अब हम टनल में एंट्री करें। जय श्री राम साथियों, आज हमारे सफर का दूसरा दिन है और हमें कैंप कैमूर हॉलीडेज में कल रात बेहतरीन नींद आई, जो कि होना भी था। 30-35 घंटे से जागे हुए थे, 18-19 घंटे के आसपास की ड्राइव थी हमारी, एंड मनाली के कच्चे पक्के टूटे रास्ते से होते हुए हम कैमूर आए हैं, पर वर्थ इट, इट वॉज अमेजिंग। बागा नदी के साइड में बहुत अच्छी नींद आई। अब हमें आगे जाना है नो नेटवर्क नो पावर जोन में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, अब हमें अपनी इसुजु का सेटअप करना है। ऑलरेडी 16 पावर बैंक है हमारे पास, जिससे हमारे फ़ोन वगैरह चार्ज हो रहे हैं। गाड़ी की छत पे 16 प्लेट्स लगेंगी, जिससे पावर बैटरीज में जाएगी, बैटरी चार्ज होगी। 16 प्लेट्स ऊपर लगेंगी, पीछे हमारा इन्वर्टर, बैटरी, पूरा पावर हाउस, पूरा चलता हुआ पावर जनरेटर, इसुजु हाउस ऑन व्हील्स। सो सफ़र बेहतरीन होने वाला है, पावर के साथ होने वाला है, एंड आगे के, एंड इट्स अ पैराडाइज फॉर ऑफ रोडर। फर्स्ट थिंग, इट्स अ पैराडाइज फॉर ऑफ रोडर, इट्स गोना बी अमेजिंग। तो दिखाते हैं जांतकर वैली का ये सफर। सेटअप चालू है, बहुत मेहनत का काम है। किसी भी ओवरलैंडिंग कैंपिंग वाली जो टूर्स होते हैं ना, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेटअप करना। अगर आपके पास राइट गाय है मेरी तरह जो परफेक्ट सेटअप कर सकता है, तो ही जाना, वरना घर रहो। सेटअप हो चुका है इसुजु की छत पे, हमने सारे कैंपिंग गियर्स को सेटअप किया है। बूट में सारे हमारे एसेंशियल्स, फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल, वुड, एंड जिप्सी की छत पे हमने 16 प्लेट्स लगाई हैं। जिप्सी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड टाइम ये सब करते करते हमें हो चुका है 2:25, इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। साथियों, सवारी निकल चुकी है जांतकर के लिए। सेटअप करते करते 3 बज चुके हैं, हाइट 3000 मीटर। अब इस सफ़र पर इसुजु अकेले नहीं, जिप्सी साथ है। संजीव भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है अभी इसुजु में हमारे साथ। जब शिंकुला टॉप क्रॉस करेंगे, प्रॉपर ऑफ रोडिंग होगी, तब वो जिप्सी चलाएंगे, इसुजु मेरे हवाले। इट्स गोना बी फन टुडे, मज़ा आने वाला है, ऑफ रोडिंग भयंकर। तब तक के लिए आनंद लीजिए सफ़र का, हम तो ऑफ रोडिंग कर ले ही रहे हैं।
शाम के 6 बज गए शिंकुला आते आते, 5,000 meter हाइट है एंड ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर BRO have done quite a good job. Roads here are amazing. ब्लैक टॉप मिला है, यहाँ तक अभी मज़ा आया नहीं, कोई ऑफ रोडिंग का कुछ हुआ नहीं है, इसके बाद मज़ा आने वाला है. एंड शिंकुला को कहते हैं गेट वे टू जांसकर वैली. तो संजीव भाई आज पूर्णे के बाद क्या होगा, ऑफ रोडिंग पूर्णे के बाद कि उससे पहले ही? उससे पहले ही, शिंकुला के बाद ही ऑफ रोडिंग स्टार्ट है. पूर्णे तक इतना ऑफ रोड आने वाला है, बीच में बहुत ही मजा आने वाला है. तो बने रहिए हमारे साथ, वादियों का मजा लीजिए, हम गाड़ी चलाने का मजा लेते हैं. स्टे कनेक्टेड. तो हम लोग एज पर बुद्धिज्म में थोड़ा सा जो है दारू हम चढ़ाते हैं वहाँ पे, तो उसी प्रथा के अनुसार हम जा रहे हैं और थोड़ा सा दारू चढ़ा के फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे.